लच्छू महाराज लखनऊ घराने के प्रतिनिधि एवं शंभू महाराज के भ्राता पंडित लच्छू महाराज कुछ समय पूर्व बंबई में रहकर चलचित्रों में नृत्य का निर्देशन कर रहे थे। संगीत का दुर्भाग्य ही कहिए कि अच्छे अच्छे कलाकार जीविकोपार्जन के लिए सिनेमा जगत में चले जाते हैं और उनकी अथाह विद्या का लाभ साधारणता लोग नहीं कर पाते। लच्छू महाराज स्वर्गीय कालिका प्रसाद के पुत्र और लखनऊ घराने के रत्न माने जाते थे। जब आपकी अवस्था 60 वर्षों से भी अधिक हो चुकी थी, किंतु फिर भी जब आप विभिन्न भाव दिखाने लगते थे तो उनकी अवस्था का अनुमान नहीं हो पाता था। आपका जन्म 1 सितंबर 1901 में लखनऊ में हुआ और बचपन वहीं व्यतीत हुआ। जन्मजात प्रतिभा और संस्कार के कारण आपकी उन्नति तीव्र गति से हुई। लखनऊ में जब आपने अपना पहला कार्यक्रम दिया तो उसी समय से आपके उन्नत भविष्य की आशा की जाने लगी। कुछ ही समय साधना के बाद आप एक प्रतिष्ठित कलाकार हो गए। बिंदादीन महाराज की कोई संतान नहीं थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति के अधिकारी आप ही हुए। युवावस्था में विशाल धन संपत्ति और स्वतंत्रता आपके लिए अनिष्टकर हुई। कुछ दिनों के लिए नवाब रामपुर के आश्रय में चले गए। वहां भी कुछ दिनों तक रहने के बाद कई रियासतों में घूमते रहे। अंत में आप बंबई चले गए, जहां चलचित्र जगत ने आपको अपना लिया। आपने अनेक चलचित्रों में निर्देशन किया है और प्रत्येक में आशातीत सफलता मिली है। जीवन के अंतिम दिनों में आप उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ से संबद्ध थे। 19 जुलाई 1978 को आपका देहावसान हो गया।